इंडिया बनाम दक्षिण अफ्रीका इस एक दिवसीय श्रृंखला का आखिरी मुकाबला है। पहला मैच जो है आप जानते हैं ऑलरेडी भारत ने काफी बढ़िया खेला और जीत भी हासिल करी। दूसरे मुकाबले में एडन माकरम एंड कंपनी ने यहां पे अच्छी कमबैक करी और दिखाया कि घर पे शेर हैं वो और ऐसे हारेंगे नहीं। अब तीसरा जो मुकाबला है बोलन पार्क में कहीं ना कहीं खेला जाएगा और अगर देखा जाए ना ट्रेडिशनली एक हाई स्कोरिंग विकेट है नहीं है यहाँ पे। आप कह सकते हैं कि जितने एक दिवसीय मुकाबले हुए हैं लगभग 234 के आसपास का एवरेज पहली इनिंग्स का स्कोर रहता है, उसको अगर आप बढ़ा के अब 250 भी कर लें तो यहाँ पे जो है ज़्यादा रन लगेंगे नहीं। और आप देख भी रहेंगे तो दोनों टीम्स हैं उसकी बल्लेबाजी पहली इनिंग्स में खासकर थोड़ी सी स्ट्रगल भी कर रही है। तो एक बार फिर से हो सकता है गेंदबाजों को थोड़ी सी ज़्यादा हेल्प रहे और बल्लेबाज थोड़ा स्ट्रगल करे। चेस करना ऐसी कंडीशन में हमेशा आप जानते हैं बेहतर ही रहता है और अभी तक जो भी हम देख भी रहे हैं कि चेसिंग टीम को फायदा भी हुआ है इस एक दिवसीय श्रृंखला में। तो अब इसकी बनाएंगे एक शानदार सा एक जो है कॉम्बिनेशन, फैंटेसी टीम का कॉम्बिनेशन जो आप ग्रैंड लीग में और स्मॉल लीग में इस्तेमाल कर सकते हैं। बेस बना के आपको देंगे, बाकी टॉस और प्लेइंग 11 आने के बाद आपको फाइनल टीम तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाके हमारे टेलीग्राम परिवार के साथ जुड़ सकते हैं और वहां पर आपको हमारी फाइनल टीम भी मिल जाएगी। लेकिन यहां आपको कुछ प्लेयर्स के आंकड़े पता चलेंगे, आपको पिच रिकॉर्ड्स ऑलरेडी बता ही दिए किस प्रकार के हैं, कौन से प्लेयर को ड्रॉप करना है, कौन से क्रूशियल प्लेयर को बैक करना है आपको वो पता चलेगा। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको सारी जानकारी मिल जाए, आपका एक जो टीम का बेस है वो रेडी हो जाए। और कल जब यहां पे मुकाबला होगा, अगर आप आज देख रहे हैं वीडियो तो कल, और अगर आप आज ही देख रहे हैं तो आज जब थोड़ी देर में मुकाबला शुरू होगा तो आपको पता चल ही जाएगा कि यहां पे कुछ बदलाव कर रहे हैं या जो टीम ऑलरेडी तैयार है आप उसी के साथ आगे जा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर हम देखें यहां पे तो विकेट कीपर में क्लासेन है, लोकेश राहुल है, संजू सैमसन है। संजू सैमसन ने डिसअपॉइंट किया है यार, मुझे लग रहा है इस श्रृंखला के बाद ना इस खिलाड़ी को ज़्यादा मौका मिलने नहीं वाला और काफ़ी फीके और डिमोटिवेटेड से नजर आ रहे हैं संजू सैमसन। तो उनको तो हम दरकिनार करेंगे, लेकिन विकेट कीपर में लोकेश राहुल पिछले वाले मुकाबले में अर्धशतक लगाया, धीमा खेला, लेकिन हाँ ये है फैंटेसी के हिसाब से पॉइंट्स पूरे देखे गए तो यार ये वो अपना काम कर देते हैं, फैंटेसी पॉइंट पूरे दे जाते हैं, तो इनको बैक करेंगे। हेनरिच क्लासेन क्रूशियल है, मानता हूँ अभी तक इतना ब्रेकआउट कर नहीं पाए श्रृंखला में, लेकिन अगर फिर से दक्षिण अफ्रीका पहले बल्लेबाजी करता है तो ये खिलाड़ी फाइनली रन लगाता हुआ नजर आ सकता है और डिस्ट्रक्टिव प्लेयर है, हालिया फॉर्म भी अच्छा चल रहा है इनका। आप आएंगे बैटिंग सेक्शन के अंदर, रसी वैन डूसन, डेविड मिलर, ऋतुराज गायकवाड, रीजा हेनरिक्स, रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, जॉर्जी और साई सुदर्शन है यहाँ पे। तो इसमें साई सुदर्शन जो कि भारतीय टीम से सरप्राइजिंगली सबसे बेहतर बल्लेबाज रहे हैं यार, मुझे लगा इंडिया के लिए डेब्यू कर रहे हैं, दक्षिण अफ्रीका में आपको खेलना है, वहां भी आपसे ओपन कराया जा रहा है, क्या आइए यहाँ पे कुछ कर पाएंगे नहीं। लेकिन भाई इस खिलाड़ी ने सबको सरप्राइज किया है, जिस प्रकार से बल्लेबाजी करके दिखाई है मजा आ रहा है। साई सुदर्शन को बल्लेबाजी करता थे, किसके साथ साथ यार दूसरे जो इंडिया के ओपनर है ना गायकवाड, मुझे लग रहा है रन लगाने पड़ेंगे, अब भी नहीं लगाए ना तो हो सकता है फिर आपको अच्छे खासे समय के लिए भारत की लॉन्गेस्ट फॉर्मेट ऑफ वाइड बॉल क्रिकेट से आपको जो है थोड़ा सा टाटा बाय बाय कर दिया जाए और किसी और के साथ जो है फिर भारतीय टीम एक्सपेरिमेंट करे, क्योंकि इनको कब से लगातार मौके मिल रहे हैं और ऋतुराज गायकवाड़ का बल्ला नहीं चल रहा है। अब ये क्रूशल मैच है, सीरीज डिसाइडर मुकाबला है, यहाँ पे अगर गायकवाड़ रन बना गए तो इनको और लंबी रोप मिल जाएगी, अगर यहाँ भी नहीं चले तो दिक्कत हो सकती है। मैं कहूँगा ये पंट रहेगा, अगर आपको रिस्की लगता है तो आप दरकिनार भी कर सकते हैं, पर मुझे लगता है आखिरकार इस दिन के अंदर ये इस मुकाबले के अंदर ये रन लगा सकते हैं तो गायकवाड़ को बैक करिएगा। डिजॉर्जी को बैक करना है, डिजॉर्जी बहुत ही शानदार प्लेयर है, पिछले मुकाबले में शतक लगा के आ रहे हैं, फॉर्म काफी इनका बढ़िया नजर आ रहा है। अब आप देखिए लोकेश राहुल, हेनरिच क्लासेन दोनों ही मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज हो गए, उसके बाद हमने तीन ओपनर्स को बैक किया है विद ऋतुराज गायकवाड़, साई सुदर्शन एंड टोनी डिजॉर्जी, इसके साथ साथ जो है रसी वैन डूसन को भी बैक कर लेते हैं, अच्छा खिलाड़ी है। बाकी तिलक वर्मा अगेन फीके लग रहे हैं, रिंकू सिंह को इतना मौका मिले ना मिले या कुछ कर पाए या नहीं कर पाए कह पाना मुश्किल है, क्योंकि T20 और ODI में काफ़ी फर्क होता है और रीजा हेंड्रिक्स भी ODI में कुछ खास प्रदर्शन करके दिखाते नहीं है। तो टीम प्रिव्यू अगर आप फाइनली देख लें तो अभी जो खिलाड़ी हमने 6 खिलाड़ी बैक करे हैं, 3-3 का सटीक कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है। अब चलते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, आप एडन माकरम को हमको बैक करना है यहाँ पे, वियान मुल्डर से मुझे इनफैक्ट काफ़ी उम्मीदें थी क्योंकि इस खिलाड़ी को जो है गेंदबाजी मिलती है बल्लेबाजी भी मिलती है, लेकिन दो मुकाबले में बिल्कुल ही फीके नजर आए हैं वियान मुल्डर। अक्षर पटेल की मुझे भूमिका थोड़ी सी क्रूशल लग रही है, क्योंकि अगर विकेटें गिरती है ना अक्षर पटेल बल्ले से भी डिलीवर कर जाते हैं, अक्षर पटेल एक ऐसा खिलाड़ी है जो कि आपको बैट से भी डिलीवर कर सकता है, कितनी इन्होंने पारियाँ चाहे IPL हो चाहे इंडिया के लिए हो वन साइडेड बचा के दी हैं, क्योंकि ये बैटिंग बड़ी अच्छी करते हैं, बट टेक्निकली बड़े साउंड लगते हैं, ऐसा नहीं है लोअर डाउन दी ऑर्डर के जो है मेन आपके ये बॉलिंग ऑलराउंडर है तो प्रॉपर बैटर लगते हैं, मैंने खेलते देखिए कभी इनसाइड आउट स्ट्रोक्स खेलते देखिए, सीधे बल्ले से खेलते हैं, आड़े या तिरछे बल्ले से नहीं खेलते, स्ट्रेट बैट से खेलते हैं और अच्छी बैटिंग करते हैं, तो उस लिहाज से मुझे लगता है अक्षर पटेल भी क्रूशल रहते हैं। तो अब अगर तीन गेंदबाजों के विकल्प बच गए जिसमें साफ यार देखिए हमको यहाँ पे कहीं ना कहीं
जो है जिस प्रकार का फॉर्म रहा है ब्रूनो हेंड्रिक्स का, इनको बैक करना है इस मुकाबले में, अच्छी विकेट से इनको परचेस मिलेगी। इसके साथ साथ मुझे लगता है एक हमें दक्षिण अफ्रीका का ही खिलाड़ी और यहाँ पे बैक करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है ये श्रृंखला जो है वो दक्षिण अफ्रीका ही जीतती नजर आएगी। तो ब्रूनो हेंड्रिक्स को हम बैक करेंगे। ब्रूनो हेंड्रिक्स के साथ साथ केशव महाराज भी बढ़िया कर रहे हैं, फंसा के चल रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ नांद्रे बर्गर को बैक कर लेते हैं और इधर से हम बैक कर लेते हैं अगर आप बात करें तो अर्शदीप सिंह, क्योंकि 80 बाजी का जो फॉर्म है ना वो तो वधिया चल रहा है जी। यहाँ पे अर्शदीप सिंह, बहुत सवाल थे इस खिलाड़ी पे, इन्होंने सटीक अंदाज में जवाब दे दिया है कि यार मेरा फॉर्म डिप हुआ लेकिन मैं अभी गया नहीं हूँ, अभी मेरी कहानी बाकी है और मैं कम बैक करके दिखा सकता हूँ। तो बड़ा इंप्रेस रहा हूँ मैं अर्शदीप सिंह से, जिस प्रकार की उन्होंने मेंटालिटी दिखाई है, एक फाइटर मेंटालिटी दिखाई है और शानदार जो है ये गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जिस प्रकार से आपका फाइनल कॉम्बिनेशन निकल के आता है, जहां रुकेश राहुल, एनरिच क्लासन, ऋतुराज गायकवाड़, साई सुदर्शन, डिसोर्जी, रसिवन डूसन, अक्षर पटेल, एडन माकरम, अर्शदीप सिंह, ब्रूनो हेंड्रिक्स और नांद्रे बर्गर को हमने बैक कर लिया। अब जैसे मैंने आपको कहा, जब टॉस हो जाएगा, फाइनल प्लेइंग 11 आएगी, आपको जो हमारी फाइनल टीम है वो मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक जो है आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ग्रैंडी की मिलेगी, स्मॉली की मिलेगी, विद कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी चॉइसेस। यहाँ पे पंट हमने लिया है, ऋतुराज गायकवाड़ को हमने बैक किया है, तिलक वर्मा को जो है यहाँ पे ज़्यादा निगाहें नहीं बनाई हैं हमने, वियान मुल्डर पे ज़्यादा निगाहें नहीं बनाई, अवेश खान पे ज़्यादा निगाहें नहीं बनाई हैं। तो अगर आपको लग रहा है ये खिलाड़ी कुछ क्रूशल हो सकते हैं, मुकेश कुमार कुछ बढ़िया करके दे सकते हैं, तो अभी के लिए दरकिनार किया है। लेकिन जैसे मैंने कहा, कल जुड़ जाएगा मैं टेलीग्राम परिवार के साथ, या अगर आप आज देख रहे हैं तो थोड़ी देर में जुड़ जाएगा मैं टेलीग्राम परिवार के साथ, लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फैंटेसी हम वैसे कहाँ खेलते हैं, स्टार 11 एप्लीकेशन पे, इसका भी लिंक जो है आपको जो है कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, पिन टॉप पे, और जो है आपको डिस्क्रिप्शन, वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब चलते हैं कप्तान वाइस कप्तान बनाते हैं, देखते हैं कौन से जो खिलाड़ी बेहतर भूमिका निभा सकता है। देखिए, साई सुदर्शन को वीसी बना के चलना है, क्योंकि ये खिलाड़ी तो वन साइड बढ़िया बल्लेबाजी करके चल रहा है। कैप्टनसी की बात करें, एडन माकरम पे बहुत जो है भरोसा किया गया है, लेकिन एडन माकरम प्रदर्शन उस प्रकार का करके दिखा नहीं रहे हैं। तो मुझे लग रहा है यार, हम अगर कोई डिफरेंशियल ट्राई करना है, आप ब्रूनो हेंड्रिक्स को ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये खिलाड़ी फिर से विकटें ले गया है, नांद्रे बर्गर अभी तक इतनी विकटें ली नहीं है, नांद्रे बर्गर ने बढ़िया कर सकते हैं। लोकेश राहुल को बैक करने में थोड़ा डर लगता है, एडन माकरम को ही कर लें, या क्या पता है एडन माकरम जो है बढ़िया कर जाए, वैसे एडन माकरम क्या पता फाइनली अच्छा कर जाए। तो एडन माकरम को कैप्टन करते हैं, वाइस कैप्टन करते हैं यहाँ पे साई सुदर्शन को, और ये है फाइनल टीम जो आपको नजर आ रही है, विद कैप्टन एडन माकरम, वाइस कैप्टन साई सुदर्शन। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो में मजा आया होगा, आपको कुछ जानकारी मिली होगी और इंडिया साउथ अफ्रीका आप इंजॉय भी कर रहे होंगे। तो इसी प्रकार से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टीम क्रिकेट को करिए सपोर्ट, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, परिवार जो है बड़ा करना है, आगे तरफ लेके जाना है, और अपना भी ध्यान रखिए। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, बने रहें टीम क्रिकेट के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।